हेलो, आई एम मिस्टर दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे माइनर हेड लॉसेस के लिए, माइनर लोकल या माइनर हेड लॉसेस के लिए। तो माइनर हेड लॉसेस में हम जो पहला पढ़ेंगे वो है सडन हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये फिगर है। इसमें क्या है, हमने देखा कि ये आपकी पाइप की ओरिजिनल साइज शेप है, ये ओरिजिनल शेप है उस पाइप की। फिर क्या हुआ है, जो हेड लॉस होता है, ठीक है, हेड लॉस जैसे आपने किया लोकल डिस्टरबेंस है या माइनर डिस्टरबेंस की वजह से क्या है, आपने किया जो ओरिजिनल पाइप है उसकी शेप या उसके साइज को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उसमें क्या है डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। उस डिस्टरबेंसेस के कारण उसमें जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और एडी करंट का फॉर्मेशन या एडी का फॉर्मेशन होने लगता है। तो किस प्रकार ये होता है उसको हम देखेंगे। तो सडन एनलार्जमेंट मीन्स आप समझ रहे हैं कि हमने जो पाइप का जो ओरिजिनल साइज है उसको एनलार्ज कर दिया है, उसको हमने बढ़ा दिया है। तो बढ़ाने के बाद क्या होता है, देखिए हमारे पास एक ओरिजिनल पाइप है, और ये ओरिजिनल पाइप की शेप आपके पास शेप है, हमने क्या किया उसके क्रॉस सेक्शन को सडनली हमने बढ़ा दिया। इसके क्रॉस सेक्शन को सडनली बढ़ाने पर क्या होता है, जो फ्लो है वो उसकी बाउंड्री को ट्रेस नहीं कर पाता है, और इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है, कुछ एडी का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, जो ओरिजिनल पाइप है उसका एरिया A1, वेलोसिटी V1, उस पर जो प्रेशर फोर्स है वो P A1 है, P1 × A1 है। सेक्शन टू पर जो वेलोसिटी है वो B2 है और एरिया A2 है, प्रेशर फोर्स P2 × A2 है। एडी करंट के फॉर्मेशन की वजह से इस पर यहाँ इन एडी करंट फॉर्मेशन का जो रीजन है, एडी रीजन में उसमें जो प्रेशर है वो आपका P' है और प्रेशर फोर्स कितना है P'A2 − A1, क्योंकि दोनों क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसका डिफरेंसेस के बराबर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा एडी फॉर्मेशन की एरिया के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने दो सेक्शन ले लिए, एक आपका बिफोर एनलार्ज और एक आपका आफ्टर एनलार्ज, मतलब बिफोर एनलार्जमेंट और आफ्टर एनलार्जमेंट। तो बिफोर एंड आफ्टर एनलार्जमेंट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सेक्शंस पर हम बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों सेक्शंस पर हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो, और ये आपका पाइप हॉरिजॉन्टल है तो आपका जो डेटम हेड है, आपका जो पोटेंशियल हेड है, वो दोनों में इक्वल हो गए, यानी Z1 और Z2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन को जो अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, हम बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो बर्नौली इक्वेशन क्या होगी, P1 / ρg +V1² / 2g = P2 / ρg +V2² / 2g +हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट यानी एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये क्या है, हेड लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट। ठीक है, तो हमने एच एक्सपेंशन को हमने लिख लिया है यहाँ पर, उसको हमने एच एक्सपेंशन से डिनोट कर लिया है। तो हमें क्या चाहिए, हमें हेड लॉस चाहिए एक्सपेंशन या एनलार्ज के कारण कितना हेड लॉस हुआ है। ठीक है, तो उस हेड लॉस के लिए हम क्या करते हैं, अब देखिएगा यहां से आप एच एक्सपेंशन निकालेंगे, इसके बराबर आ जाएगा आपका P1 − P2 / ρg +V1² − V2² / 2g, इसके बराबर पे इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा जो फ्लो डायरेक्शन है, आपकी जो फ्लो डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में हम जो फोर्स बैलेंस है हम उसको करेंगे, कितना आपका प्रेशर फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, हम मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हम पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो फ्लो डायरेक्शन में हम नेट फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। नेट फोर्स
दैट फोर्स इन फ्लो डायरेक्शन। आपको एक सिमेट्रिक डायग्राम बना देता हूं, वन आपका टू टू, यहाँ की एडीज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, या पी डैश था, या पी वन ए वन था, या पी टू ए टू था, या था ए टू माइनस ए वन, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ए टू माइनस ए वन, सही। अब क्या है, हम जो फ्लो हो रहा है आपका, फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं हम, ये आपका वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में आपके फोर्स बैलेंस करेंगे तो नेट फोर्स क्या क्या होगा हम देखते हैं। यहां पर नेट फोर्स इन फ्लो डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन किसके बराबर होगा, प्रेशर फोर्स इन फ्लो डायरेक्शन पी वन इंटू ए वन, आपका एडी फॉर्मेशन माइनस प्रेशर फोर्स एट सेक्शन टू, ठीक है। अब हमें पता है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर दो, अब क्या है, जो एडी फॉर्मेशन में जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल द्वारा ये प्रूफ हो चुका है कि वो आपका इनिशियल प्रेशर के बराबर होता है, तो यानी पी डैश को हम पी वन के बराबर रख लेंगे, तो पी डैश इज इक्वल टू पी वन बाई एक्सपेरिमेंटल, बाई एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसको बराबर रखेंगे तो क्या जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, पी वन ए वन प्लस पी वन ए टू माइनस ए वन माइनस पी टू ए ए टू, ठीक है, ब्रैकेट में खोलिएगा, पी वन ए वन प्लस पी वन ए टू माइनस पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू, पी वन ए वन से पी वन ए वन कैंसिल, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आपके आ जाएगा ए टू कॉमन ले लिया पी वन माइनस पी टू, इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। ये आपका आ गया नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन या नेट फोर्स इन फ्लो डायरेक्शन। अब क्या देखें, हमें पता है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी मोमेंटम पर सेकेंड या लिक्विड पर सेकेंड आपका क्या है, वो नेट फोर्स के बराबर होता है। हम पढ़ चुके हैं ये बात, हमें पता है कि जो नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका नेट फोर्स के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों सेक्शंस पर मोमेंटम बैलेंस करके देखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मोमेंटम, मोमेंटम पर सेकेंड एट सेक्शन वन वन, एट सेक्शन वन वन, ठीक है, सेक्शन वन वन पर हम मोमेंटम इम्बैलेंस रखेंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी, ये तो होता है आपका मोमेंटम, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। मास फ्लो रेट मतलब कि रो वन ए वन बी वन, सेक्शन वन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रो वन ए वन इनटू बी वन, ठीक है, तो देन आपका फिर वेलोसिटी कितना है, वन वन बाय बी वन, तो यहां पर मास फ्लो रेट सेक्शन वन वन क्या आ जाएगा, रो रो ए वन बी वन स्क्वायर, डेंसिटी आपकी लिक्विड है, कोई दिक्कत नहीं, तो डेंसिटी सेम रहेगी। तो ये सेक्शन वन वन पर आपका मोमेंटम आ गया, सिमिलरली सेक्शन टू पर, सिमिलरली एट सेक्शन टू, यानी इस सेक्शन पर हम मोमेंटम देखेंगे कितना है, तो कितना आ जाएगा, सिमिलरली रो ए टू बी टू स्क्वायर, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, चेंज इन मोमेंटम एट सेक्शन टू टू,
चेंज इन मोमेंटम। तो हम क्या निकालेंगे अब, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो रो ए टू बी टू स्क्वायर माइनस रो ए वन बी वन स्क्वायर, यहां से आगे आपका रो ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सॉरी ए टू इंटू बी टू स्क्वायर माइनस ए वन इंटू बी वन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर जो भी आपकी है। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में हम क्या लगाएंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, क्यू इजिकल टू ए वन बी वन इजिकल टू ए टू बी टू। तो हम क्या करेंगे, जो एरिया ए वन है ठीक है, उसको हम वेलोसिटी और जो सेकंड सेक्शन का एरिया है उसके टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लगाएंगे हम क्या लगाएंगे, हम फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन से फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, q इक्वल टू ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू, यानी आपका जो ए वन है एरिया ए वन किसके टर्म में आ जाएगा, ए टू बी टू ओवर बी वन के टर्म। ठीक है, तो इस ए वन की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में लगा देंगे। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वेशन जब इसको लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम इसके बराबर आ जाएगा रो ए टू बी टू स्क्वायर माइनस ए वन की जगह लगा दीजिएगा ए टू और आपका बी टू ओवर बी वन इंटू बी वन स्क्वायर, ये हो गया। इससे ये कैंसिल, एक बी वन कैंसिल, एक बी वन बचा हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ गया, रो इंटू ए टू बाहर निकाल लिया कॉमन हमने, बी टू स्क्वायर माइनस बी वन बी टू। ठीक है, ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, आपका नेट फोर्स। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, नेट फोर्स। तो हम नेट फोर्स के बराबर इसको रख देंगे, तो आपका क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नेट फोर्स आपका क्या था, तो आपका जो नेट फोर्स है वो क्या था, ए टू पी वन माइनस पी टू आपका नेट फोर्स था और रो ए टू इंटू बी टू स्क्वायर माइनस बी वन इंटू बी टू, ये आपका चेंज इन मोमेंटम था। तो ए टू से ए टू कैंसिल, तो पी वन माइनस पी टू अपॉन रो इसके बराबर आपका बी टू स्क्वायर माइनस बी वन इंटू बी टू। ठीक, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम जी से डिवाइड कर देंगे। तो जी से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एक अनदर इक्वेशन आ गई, पी वन माइनस पी टू की वैल्यू आ गई आपके पास, पी वन माइनस पी टू पर रो जी की वैल्यू आ गई, बी टू स्क्वायर माइनस बी वन इंटू बी टू अपॉन जी। तो अब ये इक्वेशन आ गई, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जो हमने एच एक्सपेंशन लिखा था, एच एनलार्जमेंट वो बराबर था आपके, उसके इक्वल हम इसको रख देते हैं। ठीक है, तो आपका जो एच एक्सपेंशन था इक्वेशन नंबर वन से, एच एक्सपेंशन था पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी प्लस v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर सॉरी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन टू जी, ये था हमारे पास। हमारे पास p1 माइनस p2 पर रो जी की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है लिख दीजिए यहां पे, वो आपकी वैल्यू है v2 स्क्वायर माइनस v1 इंटू v2 अपॉन
अपॉन जी प्लस वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा टू वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू, ठीक, प्लस वी वन स्क्वायर माइनस वी टू का वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई एच एक्सपेंशन बराबर ये, तो इसमें आप देखिए क्या है, इसमें आपका ये दो वी टू स्क्वायर है, ये एक वी टू है, तो एक वी टू बचा हमारे पास, तो क्या हो गया यहां से, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एच एक्सपेंशन इक्वल टू क्या है, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू अपॉन टू जी। इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर अपॉन टू जी, ये आ गया आपका एच एक्सपेंशन। आप जो एक्सपेंशन है उसकी वैल्यू को आप इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं, जो पाइप में आपका सडन एनलार्जमेंट हुआ है, सडन एक्सपेंशन हुआ है, तो जो हेड लॉस है ड्यू टू एनलार्जमेंट, यानी हेड आपका एनलार्जमेंट के कारण जो हेड लॉस है उसकी वैल्यू बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर अपॉन टू जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो आपका बी वन और बी टू इस तरीके से आ गया हमारे पास। तो एक और केस है इसका, इसमें यदि आपका इस इक्वेशन में हम क्या करें, फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन, फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन से क्या करते हैं हम, आपका ए वन बी वन इज इक्वल टू किसके बराबर था, ए टू बी टू के बराबर। तो जनरली यदि हम बी टू को इन टर्म्स ऑफ ए वन लिखें तो क्या दिक्कत है, ए वन अपॉन ए टू इंटू बी वन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बी टू की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो कर दीजिए पुट आप, तो यहां से आ जाएगा आपका एच एक्सपेंशन है आपका बी वन माइनस, अब बी टू की जगह लगाइएगा ए वन अपॉन ए टू इंटू बी वन अपॉन इसका होल स्क्वायर अपॉन क्या था टू जी। ठीक है, इसके बराबर आ गया, तो हम इसमें से अगर कॉमन निकाल लें एच एक्सपेंशन, आप क्या करिएगा वन माइनस ए वन माइनस ए टू इसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से निकाल लीजिए कॉमन वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं एरिया की फॉर्म में भी। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, जो एरिया है आपका उस एरिया को हम एक नया कांस्टेंट है उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आपका जो इसको हम इससे कर के एक्सपेंशन से हम रिप्लेस कर सकते हैं और आपकी वैल्यू हो जाएगी बी वन स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, यानी कि यहां पर जो के एक्सपेंशन है आपका एक्सपेंशन कोफिशियंट वो किसके बराबर है, वन माइनस ए वन अपॉन ए टू इसके होल स्क्वायर के बराबर, सही है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, एरिया तो कांस्टेंट ही होगा आपका, तो उसे हमने कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया है। अब क्या है, यदि आपने क्या किया है, जो पाइप का, जो पाइप का फ्लो है, यदि उसका एरिया कम है, और यदि आपका जो एरिया है ए टू, यदि आपका एरिया ए टू इज ग्रेटर देन ए वन, मच 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 ग्रेटर देन ए वन, तो उस केस में क्या है, जो आपकी वी टू है वो आप उसको जीरो एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम टू बी जीरो, एज्यूम टू बी जीरो। ठीक है, तो उस केस में आपका जो के एक्सपेंशन है, उस केस में जो आपका के एक्सपेंशन की वैल्यू 1.0 के बराबर आ जाती है। तो यहां पे हमारा जो एच एक्सपेंशन है वो आपका एच एग्जिट के केस में बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, एच एग्जिट, क्योंकि अगर आपका कोई पाइप है, अगर वो रिजर्वायर से कनेक्टेड है, तो रिजर्वायर का एरिया तो बहुत ज्यादा होता है, तो रिजर्वायर का एरिया ज्यादा है, तो उस केस में वहां पर जो वेलोसिटी होगी वी टू उसकी वैल्यू आपकी बहुत कम होगी, तो एज्यूम टू बी जीरो हम मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो उस केस में जो के एक्सपेंशन की वैल्यू है वो 1.0 होती है। तो और क्या होता है आपका,
जो आपका एनलार्ज है हेड लॉस, जो कि एनलार्जमेंट है वो एग्जिट हेड लॉस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी एच एग्जिट किसके बराबर आ जाता है आपका 1.0 बी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां पर जो v है कि क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास केस है कि आपका जो h एनलार्जमेंट है h एग्जिट के बराबर हो जाएगा, और h जो k एक्सपेंशन की वैल्यू है वो आपकी 1.0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, और आपका यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन 2g बचेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो हेड लॉस है, ये देखिएगा जो हेड लॉस है, इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि जो हेड लॉस है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकमिंग वेलोसिटी के, ठीक है। तो जो इनकमिंग वेलोसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका, यानी या फिर आप कह सकते हैं जो हेड लॉस है ड्यू टू एनलार्जमेंट वो आपका इनकमिंग वेलोसिटी हेड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और आपका यदि पाइप डायरेक्ट रिजर्वायर से आपका पाइप का एरिया है, फिर आपका रिजर्वायर में उसका फ्लो आउटलेट है, तो उस कंडीशन में क्या है, रिजर्वायर का एरिया बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या है, आपका जो ए टू है वो मच मच ग्रेटर देन ए वन है, और इसकी वजह से जो आपकी वेलोसिटी बी टू है वो आपकी जीरो एज्यूम कर ली जाएगी, ठीक है। तो उस केस में जो आपका एच एनलार्ज था, यानी एच ई आपका एच एग्जिट के बराबर हो जाएगा और की एक्सपेंशन की वैल्यू 1.0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने सडन एनलार्जमेंट के द्वारा आपका जो हेड लॉस है उसकी वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, इस डेरिवेशन को हमने कर लिया है। तो इस डेरिवेशन के रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत आ रही तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू क्लास।